अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के इस टाइम टॉप बैंकों में मेज़ान बैंक आता है और इस बैंक में जॉब्स आई हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तलीमी काबिलियत, कौन कौन सी डेजिग्नेशंस की जॉब्स हैं, मर्द और ख़वातीन अगर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का ऑनलाइन मेथड, मुकम्मल तफसीलात की एडवर्टाइजमेंट के साथ आज की तफसीलात आज की वीडियो में जो आपको मिलेंगी, उसके लिए आपने छोटी सी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वर्से ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। किसी भी कंट्री के वीज़ों जॉब्स की इंफॉर्मेशंस आपको, गवर्नमेंट स्कीम, बैरून मुल्क के वीज़ों की आपको, गवर्नमेंट बैंकों की जो नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंकों की जॉब्स आती हैं, सबसे पहले अपडेट दी जाती हैं। सेज ऑफ सिटी वेबसाइट ओपन करने से आपको तफसीलात की डिटेल्स मिलेंगी, जहाँ पे व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करने से आपको तफसीलात की डिटेल्स व्हाट्सअप के ज़रिए भी दी जाती हैं। और जिस भी कंट्री में अप्लाई किया, तक आपको सर्विसेज चाहिए हों या अप्लाई करने का एडवर्टाइजमेंट के साथ मुकम्मल लिंक चाहिए हों, आपको हर लिंक के अंदर अपॉर्चुनिटी की तफसीलात की डिटेल्स मिलेंगी। नीचे ही आने के बाद आपको यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर्स की डिटेल्स में जो भी बैंक की या गवर्नमेंट के अदारे की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आती हैं, तफसीलात की डिटेल्स बताई जाती हैं। मेज़ान बैंक का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद इस पेज पर आ जाए। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको 65,000 तक सैलरी पैकेज मिल सकता है। इसमें 35 साल तक के मर्द और ख्वातीन अप्लाई कर सकते हैं। 3 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। गवर्नमेंट की या प्राइवेट जॉब्स की या बैंकों में जॉब अप्लाई करने की हद तक सर्विसेज चाहिए हो, सीवी बनवाने की हद तक सर्विस चाहिए हो, 03427467134 के जरिए रब्ता करें। बैरून मुल्क में जॉब्स अप्लाई करवाने के लिए, सीवी बनाने के लिए, कवर लेटर बनवाने के लिए 03090001982 के ज़रिए रब्ता करें। मर्द और ख़वातीन जो 35 साल से कम तक हो, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दीगर और भी असामियाँ हैं, विजिट हियर के बटन पर क्लिक करें और दीगर एडवर्टाइजमेंट पर इंस्ट्रक्शन आप जान के अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये विजिट हियर के बटन पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये पेज आ जाता है। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए करंट अपॉर्चुनिटीज़ पर मैं क्लिक करूँगा। ये वाला लिंक ओपन करने के बाद मेरे पास ये पेज आ जाता है। व्यू जॉब्स पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस की असामियाँ, मैं किसी एक डेजिग्नेशंस पर क्लिक करता हूँ। बाकियों में सब में अप्लाई करने का यही मेथड है। अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ईमेल दे के नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप ईमेल दे देंगे तो आपको ईमेल पे कोड आएगा। वो जो कोड आएगा, आपने अपना ये कोड यहाँ पे टाइप करने के बाद इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाता है और इस फॉर्म को याद रखें कैसे फिलअप करना है। ये 3 पेजों का फॉर्म है जिसमें आपको अप्लाई करने का मुकम्मल मेथड बताया जाएगा। सबसे पहले आप मेल हैं फीमेल, उसको सेलेक्ट करें और अपना वो नाम टाइप करें जो आई कार्ड पर लिखा हुआ है। अपना लास्ट नेम, यानी कि जो आपका मिसाल है, जैसे शकील अहमद नाम है, यहाँ पे शकील लिखें और अहमद नाम लिखें। फादर नेम आपका जो आईडी कार्ड पे एक्चुअल स्पेलिंग्स में ठीक लिखें। और यहाँ पे आने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, वो वाला जिसका नेटवर्क चेंज ना हो। आपने वो फ़ोन नंबर देने के बाद दूसरा वो फ़ोन नंबर देना है जो आप दूसरा कोई और नंबर भी यूज़ करें, उसकी डिटेल्स आके मैंशन करें। इसमें अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। आप मेल हैं फीमेल, इस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, आप शादीशुदा हैं या सिंगल, आप पाकिस्तान से यकीनन अप्लाई कर रहे हैं और कौन से सूबे से अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, आपका सिटी कौन सा है, आप अपने सिटी को यहाँ पे आके मेंशन करें। एग्जांपल जो भी आपका सिटी है आप यहाँ पे आके मेंशन कर देते हैं। मेंशन करने के बाद अपना एड्रेस वो लिखना है जो आईडी कार्ड पे आपका लिखा हुआ है। कई होते हैं कि आईडी कार्ड पे कोई और एड्रेस होता है मौजूदा, कहीं और वो रह रहे होते हैं, यानी कि परमानेंट एड्रेस उनका कोई और होता है और टेम्परेरी कोई और होता है, लेकिन आप यहाँ पर वही एड्रेस मैंशन करें जो आपके आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। नीचे आने के बाद आपने पोस्टर कोड, जो आपके शहर का पोस्टर कोड है, गूगल में सर्च कर लें, अपने सिटीज़ वाइज जो पोस्टर कोड है उसको मेंशन करें। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वो देनी है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई है। वैलिड आईडी कार्ड वाले, आपकी ओवर एज नहीं होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा अफराद अप्लाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पर पहले मंथ लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर आप अपना ईयर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशंस की डिटेल आ जाती है। ऐड क्वालिफिकेशंस में आप यहाँ पे पहले देख लें कि ये जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, आपने पहले इसकी सारी इन्फॉर्मेशंस पहले पढ़ लेनी है। आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशंस है उसको सेलेक्ट करें। मेजर सब्जेक्ट, जो आपकी लास्ट डिग्री थी उसकी डिटेल लिखें। कौन से इंस्टीट्यूट में आपने यूनिवर्सिटी से लास्ट डिग्री कंप्लीट की, आपकी डिग्री जो सी लास्ट कंप्लीट की थी उसका कौन से महीने से शुरू हुई थी और उसका ईयर कौन सा था, एंडिंग डेट कौन सी थी और कौन से साल को आपकी डिग्री कंप्लीट हुई। एजुकेशनल डिटेल्स फिर आप यहाँ पे मेंशन करें कि मैट्रिक आपने कब किया।
कौन से कंट्री से किया, कौन से सिटी से किया, आपके मैट्रिक का क्या ग्रेड था, उसका CGPA परसेंटेज क्या था। कमेंट्स के बाद आप यहाँ पे आके स्टेटस मेंशन करें क्या आपकी लास्ट डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। हाई एजुकेशन आपने डिटेल्स करनी है अगर आपकी एजुकेशन फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन से ज़्यादा है तो। आप जब इसको डिटेल्स को मेंशन कर लेते हैं तो आपने यहाँ पे आके ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। एक्सपीरियंस का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई फील्ड का तजर्बा है, किस ऑर्गेनाइजेशन का तजर्बा है यानी कि किस कंपनी का है, वहाँ पर जॉब की आप करते रहें, कौन से महीने से आपकी जॉब शुरू हुई और किस साल तक आपने किस साल से जॉब शुरू की, आपने अगर जॉब ख़त्म कर दी किस महीने को ख़त्म की, किस साल को ख़त्म की, और अगर आप मौजूदा जॉब कर रहे हैं टिक के बटन पर क्लिक करें। कंट्री का नाम मेंशन करें, सिटी का नाम मेंशन करें जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जॉब में क्या थी यानी कि जिम्मेदारी आप क्या एज अ डेटा एंट्री थे, HR थे, मैनेजर थे, जो भी थे, करंट ग्रेड आपका अगर कोई जॉब कर रहे हैं क्या है, और आपको अदर अनाउंस क्या मिल रहे थे, लास्ट सैलरी आपकी कितनी थी, आपको वो भी मेंशन यहाँ पे करनी होगी। आप इसको डन कर दीजिएगा। मैं इसको आपको एक सिंपली बता रहा हूँ, देखें सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं दो चीज़ों पे जिस पे आपको बेस पे ये जॉब मिलेगी, वो है एक CV और एक कवर लेटर। CV और कवर लेटर इतना ज़रूरी है, कवर लेटर से ज़्यादा ज़रूरी CV है जिस पे आपकी सारी मुकम्मल डिटेल बायोडाटा के साथ हो। CV आपने रेलिवेंट फील्ड के बाद के बुनियाद पर बनानी है। आपके पास यहाँ पे कवर लेटर होना चाहिए जिसमें कवर लेटर आप इस पोस्ट के मुताबिक जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं आपके पास ऐसी गुड एट्रैक्टिव एट्रैक्शंस वाले ऐसी वर्डिंग हो जो कंपनी के पास आपका CV कवर लेटर जाए, प्रोफेशनली हो, कोई लोकल ना बना हो जिसकी बुनियाद पे आपको जॉब मिलनी है। ये CV कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे कवर लेटर जो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे PDF या वर्ड की फाइल। खुदा ना हासा अगर आप डिसेबल हैं यस करें, नहीं तो नो कर दें, और ये दो बटन पे क्लिक करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। आपको इसका रिप्लाई ईमेल के ज़रिए या SMS के ज़रिए आएगा। मेज़ान बैंकिंग जॉब में अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा, जिसकी तफसीलात की डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये लिंक ओपन करने से मिल जाएंगी। 3 अक्टूबर 2024 तक आप इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेज़ान बैंक के अलावा दीगर और भी बैंकों की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, जिसमें नेशनल बैंक की भी आप जॉब्स की इन्फॉर्मेशन जान पा रहे हैं, और दीगर और भी बैंकों के लिए ज़री तरक्की आती या आप लोड मोर के बटन पर क्लिक करके और बैंकों की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अप्लाई के मेथड के साथ तफसीलात की डिटेल जान सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको गवर्नमेंट स्कीम की भी तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले अपडेट रखा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हों, प्राइवेट जॉब्स हों, बैंकों की जॉब्स हों, या आपको घर बैठ के विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने की तफसीलात की डिटेल्स हों, उनकी अपडेट से सबसे पहले तफसीलात की डिटेल्स दी जाती हैं। इंटरनेशनल लेवल्स पे वीज़ों जॉब्स की तफसीलात की डिटेल से भी आपको सबसे पहले आगाह रखा जा सके, तो इस वेबसाइट को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और ख़ास तौर पे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें जिसके ज़रिए आपको मज़ीद अलर्ट से सबसे पहले अपडेट रखा जा सके। मेज़ान बैंकिंग जॉब्स के साथ आपको तफसीलात की डिटेल्स कोई भी अदारे की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स मिलती रहें तो हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप ऑनलाइन को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाने से वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो तक, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।